दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की एटीएस की टीम ने ऐसे छात्र बदमाश को गिरफ्तार किया है जो कि सरकारी कर्मचारियों की खुफिया कैमरे से फिल्म बनाकर उनसे जबरन वसूली के काम को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए बदमाश की पहचान राजू मीना के रूप में हुई है जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही वेस्ट गोंडा में रहता है। इस छात्र बदमाश ने अब तक सैकड़ों पुलिस कर्मियों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये छात्र राजू मीना है जो कि मीना समाज से ताल्लुक ही नहीं रखता लेकिन फिर भी अपने आप को मीना कहता है। आपको बता दें कि इस छात्र ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूमकर खुफिया कैमरे से पुलिस की उस वक्त पिक्चर बना लिया करता था जब पुलिस कर्मी अपने द्वारा काटे गए चालान के पैसे लेते थे। लेकिन यह इतना शातिर था कि पुलिस पर रिश्वत खोरी के आरोप लगाकर पुलिस कर्मियों से ही वसूली की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की तेज तर्रार एटीएस टीम ने इसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया क्योंकि लगातार वसूली करते करते पुलिस कर्मियों द्वारा इसकी शिकायत उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी संजय सैन को मिल रही थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी संजय सैन द्वारा इस शातिर राजू मीणा को पकड़ने के निर्देश एटीएस सब इंस्पेक्टर बलबीर को दिए गए। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने इस बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस ने इसके पास से 4 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं।